हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। बच्चों मैं फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा, और जो बच्चे हमारे क्लास से लगातार जुड़ रहे हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है पिछली क्लास में हम अपनी यूनिट फर्स्ट खत्म कर चुके हैं, तो बच्चों हमारी आज यूनिट सेकेंड स्टार्ट होने वाली है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, और इसका जो अध्याय है बच्चों वो अध्याय 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों मैं आपको बता सकता हूँ कि इस यूनिट में हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं बोर्ड में भी। तो बच्चों जो आज के हमारे टॉपिक वो इस प्रकार है बच्चों, सबसे पहले बच्चों हम विद्युत धारा की परिभाषा देखेंगे। जो बच्चों हम थोड़ा सा आपने 10th में पहले विद्युत धारा की परिभाषा देखी होगी, वो थोड़ा सा उससे हम थोड़ा सा और डीपली बात करेंगे, थोड़ा गहराई में, ठीक है बच्चों? तो कि 12th क्लास है, इसमें थोड़ा हमें ध्यान से पढ़ना है। तो बच्चों उसके बाद हम देखेंगे बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य क्षेत्र मतलब अगर कोई विद्युत क्षेत्र ना लगाया जाए, कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई ना किया जाए, तो क्या उसमें भी ठोस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इस चीज को हम देखेंगे। फिर बच्चों हम बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में देखेंगे कि किसी ठोस चालक में या किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होती है। बच्चों मैं बता दूं, मैंने ठोस चालक इसलिए बोला है क्योंकि हमारे एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू सीबीएसई या यूपी बोर्ड जो भी हमारा सिलेबस चलता है बच्चों, उसमें सिर्फ हम ठोस चालक के बारे में बात करते हैं, किसी विद्युत अपघटन या विलयन के बारे में बात नहीं करते। बच्चों उसके बाद हम देखेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इस पर हमें पूरे चैप्टर में इस पे ही न्यूमेरिकल आते हैं, इसमें बहुत डेरिवेशन भी हमें पढ़ने हैं, वो है इलेक्ट्रॉनों का अप्रवाह वेग, ठीक है बच्चों? तो और बच्चों उसके बाद हम एक डेफिनेशन और पढ़ेंगे, विश्रांति काल। ये दोनों ही बच्चों विद्युत धारा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे ज्यादा डेरिवेशन इन्हीं के ऊपर आते हैं, ठीक है बच्चों? तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली डेफिनेशन, वो है विद्युत धारा की परिभाषा। तो स्टूडेंट्स, अध्याय 3 में हम सबसे पहले बच्चों विद्युत धारा की परिभाषा को समझेंगे। बच्चों विद्युत धारा वैसे तो हम 10th में भी पढ़ लेते हैं, आप सबने सुना होगा, लेकिन इस बार जो हम थोड़ा सा 12th में बच्चों विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा हमें गहराई से पढ़ना है कि विद्युत धारा किस प्रकार प्रवाहित होती है या इसकी जो पूरी परिभाषा है बहुत ध्यान से हम देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको फिगर से समझाऊंगा, फिर हम इसको परिभाषित करेंगे। बच्चों सपोज करो हमने कोई चालक लिया है, ये हमारे पास कोई चालक है, और बच्चों हमारे या जो सिलेबस में 12th में है वो सिर्फ हम ठोस चालक के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, हम सिर्फ ठोस चालक के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों मैंने कोई ठोस चालक ले लिया है, ये कोई कॉपर का तार हो सकता है, एल्यूमिनियम का तार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स अब इसमें मैंने आपको दिखाया है कि अगर इस चालक की लेंथ एल हो, और बच्चों इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो अगर हम सपोज कैपिटल ए मान लें, उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों? ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया। अब बच्चों मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ, वो बात करना चाहता हूँ, सपोज इसके दोनों सिरों को मैं एक को P मान लेता हूँ और एक को Q मान लेता हूँ, इस प्रकार से। तो बच्चों अब किसे हम विद्युत धारा कहेंगे? तो बच्चों मैं ये मान के चलता हूँ कि Q बिंदु से एक आवेश चलता है और जो बिंदु P तक पहुँचता है, ठीक है बच्चों? और बच्चों इस आवेश का नाम अगर मैं क्यू रख दूं, ये आवेश जो चलता है क्यू है, जो कुल आवेश बिंदु क्यू से बिंदु पी पर पहुंचता है, ठीक है बच्चों? एक सिरे से दूसरे सिरे तक। और बच्चों इसको जाने में जो भी समय लगता है, अगर मैं उस समय से डिवाइड कर दूं, यानी प्रति एकांक समय में निकाल लूं, बच्चों मैं प्रति एकांक समय में अगर ये आवेश का प्रवाह निकाल लूं बिंदु क्यू से बिंदु पी तक, कैसे बच्चों? तो इसमें यह भी ध्यान रखना, अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन को यहां बना के दिखाऊं थोड़ी देर के लिए, ये ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरफ भी होगा, तो बच्चों प्रवाहित जो आवेश प्रवाह हो रहा है बच्चों वो उसके लंबवत हो रहा है अनुप्रस्थ काट के, ठीक है बच्चों? तो ये जो एकांक समय में जो भी आवेश प्रवाह होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक किसी चालक के, बच्चों उस चालक की विद्युत धारा कहलाती है। ये आप ध्यान से समझ लें, ये विद्युत धारा कहलाएगी। तो बच्चों इसका जो मात्रक होगा, चूंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो बच्चों इसे जो बोला गया वो बोला गया 1 एम्पियर, ठीक है बच्चों? इसी को हम 1 एम्पियर बोलते हैं और ये इसका सिंबल है, ठीक है बच्चों? तो अब बच्चों मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि अगर हम इस छोटी सी बात को परिभाषा में लें तो कितना ध्यान से हमें लिखना पड़ेगा। तो बच्चों प्रति एकांक समय में किसी ठोस चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, बच्चों आवेश का एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, तो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत। बच्चों इसमें भी मैं, चूंकि 12th में हम एक और वर्ड थोड़ा सा यहाँ पे गहराई से बताना चाह रहे हैं कि अनुप्रस्थ काट, जो उस चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है हम उसके लंबवत बात करते हैं, आवेश उसके लंबवत लिया जाएगा, इस प्रकार। तो ये पॉइंट इस बार आप पहली बार पढ़ेंगे, अदरवाइज जो 10th में आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी वो इसमें उसे यूज नहीं किया गया होगा। तो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित होने वाला आवेश बच्चों विद्युत धारा कहलाती है। तो सीधा सीधा सा हम देख सकते हैं। अब बच्चों बात ही आती है कि जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था,
हमने आवेश का एक नियम पढ़ा था, जो आवेश की जो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसकी एक विशेषता थी बच्चों, और वो थी उसकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना बच्चों? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है बच्चों, आप जानते हैं? इसे हम बोलते हैं क्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का एन ई। ये आप जानते हैं इस तरीके से? तो क्वांटाइजेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसे क्वांटिमीकरण का सिद्धांत भी हम कहते थे, या क्वांटिमीकरण की विशेषता कहते थे। तो इसमें हम ज़्यादा बात तो करेंगे नहीं बच्चों। आप जानते हैं अगर कुल आवेश है तो बच्चों यहाँ पे ई क्या है, ई है बच्चों मूल इकाई आवेश की, ई जो है मूल इकाई है, और उसका जो मान होता है बच्चों 1.6×10^-19 कूलम होता है। तो बच्चों एन क्या है यहाँ पे, एन है बच्चों जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसकी संख्या, यानी हम कह सकते हैं आवेशों की संख्या, आवेश की संख्या, ये हम इस तरीके से कह सकते हैं बच्चों। आवेश कौन लेके जाता है बच्चों, या तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो हम कह सकते हैं जो आवेश की संख्या है वो क्या है बच्चों, एन है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि आवेश को लेके जाने वाले कणों की संख्या, तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हम लिख सकते हैं, पर हम आवेश की संख्या भी लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे इसका मान यहाँ पे रख दें तो हमें आई का क्या मान प्राप्त होता है, आई का मान प्राप्त होता है हमें बच्चों एन और इंटू ई और अपॉन टी, इस प्रकार। बच्चों प्लस माइनस हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हम सिर्फ आवेश की बात कर रहे हैं अभी, हम अभी मैं आपको ये नहीं समझाना चाह रहा कि आवेश प्रवाहित करने में इलेक्ट्रॉन चलता है या प्रोटॉन चलता है, इसके लिए हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हमारा एक फार्मूला जो बना साफ साफ पता चला कि जो आवेश चलेगा, एक आवेश का मान होगा बच्चों हम जानते हैं मूल इकाई ई होगा, ये मूल इकाई होगी हमारी, और जो कुल आवेश चलेगा बच्चों उसकी संख्या को हम एन बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास आई का फार्मूला आ सकता है। तो बच्चों ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है विद्युत धारा की, लेकिन अभी हम चूंकि 12th के सिलेबस में इसे और ज्यादा पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, हम इसमें थोड़ा सा 12th के अकॉर्डिंग जो हमारी क्लास है थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे बच्चों। बच्चों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमें ठोस चालक हमारे पास कोई हो तो उसमें कोई अगर हमारे पास बाह्य क्षेत्र ना हो, यानी विद्युत क्षेत्र ना हो, तो क्या तब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है? बच्चों ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। तो क्या विद्युत धारा सिर्फ आवेश के प्रवाह पर डिपेंड करती है? क्या आवेश का प्रवाह यानी अगर आवेश गतिमान है तो क्या विद्युत धारा प्रवाहित करेगा? तो बच्चों ध्यान से अगर हम देखते हैं तो हमारी जो दूसरी हेडिंग है बच्चों आज की क्लास की, वो है बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ठोस चालक में विद्युत धारा। तो बच्चों इसको पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें इसको किस तरह से समझना है, फिर मैं आपको फिगर से समझाऊंगा। बच्चों किसी चालक के आयतन में, जो भी हमने चालक लिया है उसका जो भी आयतन है बच्चों, अगर बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति हो, यानी उस बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन, बच्चों ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ठोस चालक की बात कर रहे हैं, हमारे 12th के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ ठोस चालक की बात करनी है। तो बच्चों उसमें जो आवेश प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत तापीय वेग है बच्चों शून्य होता है, यानी सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए विद्युत धारा क्या होती है बच्चों, शून्य होती है। तो आपको ये तो पढ़ के तो पता चल रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो भी बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में औसत तापीय वेग, तो ये मैं आपको समझाऊंगा कि तापीय वेग क्या होता है। तो बच्चों इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि सपोज करो मैंने ये एक ठोस चालक ले लिया इस प्रकार, ये आप देख सकते हैं। तो बच्चों इसका जो हमने आयतन मानेंगे, कैसे मानेंगे, अगर इसका आप देखें कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ए हो, और बच्चों इसकी लेंथ एल हो, तो जो ए इंटू एल है वो इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। बच्चों इस सिरे का नाम हम थोड़ी देर के लिए पी रख देते हैं और इस सिरे का नाम हम क्यू रख देते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान से बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो एटम से बाहर निकल जाते हैं, आपको पता है, इसमें हमें बात करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक के अंदर, जो आराम से अपने परमाणुओं को छोड़ देते हैं। और बच्चों लेकिन वो कभी भी चालक के प्रश्न को नहीं छोड़ सकते, ये भी आपको हमने पढ़ा हुआ है पहले फर्स्ट यूनिट में। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो गति करता है बच्चों, क्योंकि ताप ही है, जो उसको एक नॉर्मल तापमान मिलता है उसमें भी उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है, इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो गति करता है। लेकिन बच्चों जो गति करता है वो उसकी एक निश्चित दिशा में नहीं होती, वो जब दिशा में इस तरह से गति करता है तो वो आपस में या तो जो परमाणु है, जो हमारे परमाणु आयन है जिनसे वो बाहर आया, या तो उनसे टकरा देता है या अपने चालक की दीवारों से टकराता रहता है, ठीक है बच्चों, या आपस में इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते रहते हैं। तो टकराने के बाद उनका जो बच्चों दिशा है वो परिवर्तित हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है तो टकराने के बाद हो सकता है दूसरी दिशा में चला जाए इस प्रकार। तो जब वो दूसरी दिशा में चला जाएगा तो बच्चों उसका तो विस्थापन कुछ हुआ ही नहीं, वापस चला गया, और वहां पे वो किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, तो हो सकता है बच्चों वो इस तरीके से आ जाए।
और बच्चों इस तरीके से आने के बाद हो सकता है वो फिर इस तरीके से आ जाए, और फिर टकराने के बाद हो सकता है वो इस तरीके से आ जाए। तो बच्चों वो इसी तरीके से अनियमित गति करते रहते हैं और आपस में टकराते रहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को बच्चों हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बहुत कम होता है आप जानते हैं, तो उसको जरा सी भी ऊर्जा मिलती है तो वो उसको लेकर बहुत तेजी से गति करते हैं और आपस में टकराते रहते हैं। तो इसमें मैं बता दूं बच्चों, या तो वो अपने आयनों से टकराते हैं, जो आयन होते हैं धनात्मक आयन कह सकते हैं इसे, धनात्मक आयन, वो धनात्मक आयनों से टकराते हैं जो परमाणु होते हैं, या फिर वो आपस में टकराते हैं आपस में, ठीक है बच्चों। तो जब वो आपस में टकराते हैं तो बच्चों उनका कोई विस्थापन नहीं हो पाता, यानी अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो मैं कह सकता हूं नेट विस्थापन शून्य होता है, नेट विस्थापन, नेट विस्थापन शून्य। तो बच्चों जब नेट विस्थापन कुछ है नहीं तो ना वो पी से क्यू से पी तक आ पाते, अगर कोई आवेश इस तरह से नहीं आ पाएगा तो हम कहेंगे कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो नेट विस्थापन शून्य होता है तो बच्चों हम कहते हैं आई बराबर क्यू अपॉन टी, तो कोई भी आवेश प्रवाहित नहीं होता बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि जो धारा है वो शून्य है। तो बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान है लेकिन फिर भी उनका जो धारा प्रवाह करने के लिए जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं होती। तो बच्चों सिर्फ आवेश के गति होने से धारा प्रवाहित नहीं होती, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो अगर बच्चों हम एक इलेक्ट्रॉन का औसत वेग जो तापीय वेग है यू वन मान लें, और ऐसी ऐसी अनगिनत इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, अगर हम बात करें कि एक मीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बच्चों लगभग 10^29 यानी 29 होती है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ठोस चालक में। ऐसे हम मान लें कि किसी दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसका जो तापीय वेग है U2 है, ऐसी बच्चों लास्ट में मान लें कोई n इलेक्ट्रॉन है तो उसका तापीय वेग UN है, और सभी का अगर औसत निकाल लें n से डिवाइड कर लें बच्चों, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सदिश रूप लगाएंगे क्योंकि हम दिशा को लेकर चल रहे हैं। तो बच्चों ये जो इसको हम अगर U से प्रदर्शित कर दें तापीय वेग को, तो बच्चों ये जीरो होता है, कोई भी उनके अंदर तापीय वेग का जो औसत वेग होता है वो नहीं हो पाता, ठीक है बच्चों। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि विद्युत धारा बिना किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रवाहित नहीं होती। तो बच्चों जो तीसरी हमारी जो इस बार हम केस पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो ये है कि तो विद्युत धारा के लिए आवेश प्रवाह होने के साथ साथ क्या जरूरी है। तो बच्चों तीसरी हेडिंग जो है वो हमारी है बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत धारा। तो बच्चों इसको मैं पहले हम लोग इसको समझेंगे नहीं परिभाषा से, इसको हम पहले फिगर से समझेंगे। बच्चों मैंने एक ठोस चालक लिया हुआ है और उसमें मैंने कोई विद्युत क्षेत्र का स्रोत लगा दिया है। बच्चों वैसे बताऊँ विद्युत क्षेत्र का स्रोत बेसिकली बैटरी लेंगे हम आगे जाके, पर हम बैटरी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो मैं इसको बोलना नहीं चाह रहा, मैंने बस यहाँ पे लिखा है विद्युत स्रोत। तो विद्युत स्रोत है तो बच्चों प्लस माइनस धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल होंगे, इसके पोल होंगे। तो बच्चों जहां पे धनात्मक सिरा है तो बच्चों चालक का वो सिरा धनात्मक हो जाएगा, और जहां ऋणात्मक सिरा है वो सिरा ऋणात्मक हो जाएगा, और हम कह सकते हैं कि इस चालक के दोनों सिरों पे एक विद्युत क्षेत्र प्रवाहित हो जाएगा या यहां पे एक विद्युत क्षेत्र लगने लगेगा। आप जानते हैं बच्चों विद्युत क्षेत्र जो होता है, मैं यहां पे आपको अलग से बता दूं, विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में चलता है इलेक्ट्रॉन हमेशा उसके विपरीत दिशा में चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो उस परमाणु के जो आयतन के अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, जो परमाणु से बाहर आगे गति कर रहे हैं बच्चों, जो उन पर विद्युत क्षेत्र लगेगा तो विद्युत क्षेत्र उन्हें एक अपनी दिशा के विपरीत दिशा में खींचने की कोशिश करेगा और एक बल लगाएगा, और बल आप अच्छी तरह जानते हैं जो विद्युत क्षेत्र बच्चों बल लगाता है वो लगता है क्यू इंटू ई, ये आप सब जानते हैं। और क्यू अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ई हो जाएगा, इंटू कैपिटल ई हो जाएगा। माइनस लेना चाहें तो बच्चों इसका मतलब ये है, अगर मैं इन दोनों पे सदिश लगा के देखूं तो जो बल की दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी, ये भी हम समझ सकते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करेंगे, और आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा वो यहां से होता 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 एक क्यू सिरे से होता हुआ पी सिरे धनात्मक सिरे से निकल जाएगा। तो बच्चों अब इसमें हम कह सकते हैं कि आवेश जो है एक सिरे से दूसरी सिरे तक निश्चित दिशा में जाता है और एक विद्युत धारा को प्रवाहित करता है, ठीक है बच्चों। बच्चों ये तो हुआ थोड़ा सा समझने वाली बात कि ऊपर से हमने बात समझ ली, लेकिन अंदर में यहां से देखने में ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधे सीधे चलते हैं अभी भी। तो बच्चों ऐसा नहीं होता, ये आपको समझना है, मेन तो आपको यही समझना है, लेकिन थोड़ा सा जो बच्चे और अच्छी तरह समझना चाहते हैं मैं उनको थोड़ा ध्यान से समझाना चाहता हूं बच्चों कि असली में इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते तो अभी भी हैं धन आयनों से और आपस में, लेकिन अब होता क्या है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन अपने ये अगर इस तरीके से गति कर रहा है और अगर ये किसे टकराता भी है तो बच्चों इस बार ये पीछे नहीं जा पाएगा। अगर मैं बताऊं तो इस तरह से पीछे नहीं जा पाता, क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र उसे अपनी तरफ खींच रहा है। वो टकराने के बाद भी हो सकता है या तो आगे चला जाए या फिर हो सकता है बच्चों इस तरफ आ जाए, तो मैं कोई भी एक दिशा अगर चला दूं तो वो यहां पे आ जाएगा, और अगर फिर वो टकराता है तो बच्चों कभी पीछे नहीं जाएगा, वो इस तरह से टकराते हुए आगे ही बढ़ता जाएगा इस प्रकार। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब भी उसकी टक्कर होती है तो अगर हम यहां पे माने, इसको मैं थोड़ा नाम रख देता हूं कि ये सपोज करो ए पॉइंट है,
ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। तो आप देख सकते हैं कि हर ए और बी के बीच में, अगर हम देखें ए और बी के बीच में जब वो चल रहा है उसका टक्कर लगी फिर वो सी की तरफ आ गया, लेकिन दो टक्कर के बीच में वो थोड़ा सा दूरी तय कर लेता है, वो थोड़ा सा विस्थापन उसका हो जाता है किसी समय में, फिर सी से वो टक्कर खाता है तो फिर दोबारा उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, लेकिन दिशा बच्चों वो अग्रगामी आगे की ओर होती है, कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाता। ठीक है बच्चों, तो ये बात बहुत समझने वाली है। इस बच्चों इस डायग्राम को मैंने क्यों समझाया, क्योंकि इस डायग्राम से मैं बता सकता हूं, आप देख सकते हैं ए से चलने के बाद बी पे उसकी टक्कर होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन से टकराया हो, चाहे वो अपने धनायन परमाणु से टकराया हो, उसके बाद उसकी दिशा फिर परिवर्तित होगी, लेकिन है बच्चों अग्रगामी, वो पीछे की तरफ नहीं है, आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं है। तो बच्चों दो टक्कर के बीच में जितनी भी वो दूरी तय करता है, जितनी भी वो उसकी जो गति मिलती है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ बच्चों, अगर जो भी उसकी जो गति होती है बच्चों यहाँ पे, तो बच्चों अगर आप देख सकते हैं दो टक्करों के बीच में जो भी गति होती है बच्चों, वो उसका अप्रवाह वेग कहलाता है, जिसे हम बीडी से रेफर करते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसको डेफिनेशन और डेरिवेशन हम दोनों ही करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराते हैं तो दो टकरों के बीच में जो भी उनकी जो गति हो पाती है इलेक्ट्रॉन की, हम अगर एक की इलेक्ट्रॉन की बात करें, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम एक को लेके बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन इससे टकराता आगे चल रहा है। ठीक है बच्चों, ऐसे तो अनंत इलेक्ट्रॉन होंगे, एन इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। तो बच्चों दो टकरों के बीच में जो भी उसकी गति होती है बच्चों, उसे अप्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का अप्रवाह वेग कहते हैं। तो ये हमारी अगली हेडिंग होगी। और बच्चों दो टकरों के बीच का जो समय, एक टक्कर के बाद जो दूसरी टक्कर का बीच का समय बच्चों, उसे बोलते हैं विश्रांति काल। अगर मैं आपको यहां पर बताऊं विश्रांति काल, ठीक है स्टूडेंट, तो ये विश्रांति काल है और इस दोनों को हमें समझना जरूरी है और ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम आने वाले टाइम में। तो बच्चों जो मैंने आपको फिगर से समझाया है, अब मैं आपको उसको परिभाषा या अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। तो बच्चों बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में होता क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक के, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं बच्चों, एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, तथा विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि निश्चित दिशा में, ये हमें वैसे समझ में आता है लेकिन इसको ध्यान से हम समझे तो हमें पता लगे कि हमेशा एक निश्चित दिशा रहती है और विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अब जो हम परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है इलेक्ट्रॉनों का अप्रवाह वेग। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसको पहले एक बार इसको परिभाषित कर लेते हैं, फिर मैं आपको उसको वहां पे समझा दूंगा। तो बच्चों अप्रवाह वेग क्या होता है, बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं बच्चों, तो दो लगातार टक्कर के दौरान मुक्त इलेक्ट्रॉनों का द्वारा प्राप्त की गई औसत गति इलेक्ट्रॉनों का अप्रवाह वेग कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भी वो गति प्राप्त करते हैं दो टक्कर के बीच में, तो ऐसे टक्कर लगती रहती है और वो आगे बढ़ते रहते हैं, तो उनका जो औसत वेग होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है, अप्रवाह वेग। तो अगर यहाँ पे मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर लूँ बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ से बिंदु एक से चलता है और दो तक पहुँचता है, दो पे जाने के बाद बच्चों उसकी टक्कर होती है, फिर इसकी दिशा चेंज हो जाती है, लेकिन है वो आगे की तरफ ही। तो बच्चों अब दो, जब वो आगे की तरफ चल रहा है दो से, फिर तीन पे टक्कर होती है, फिर उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो बच्चों दो और तीन, ये जो टक्कर लगी है उसकी, इस बीच में जो भी उसकी गति है वो उसका अप्रवाह वेग है। ठीक है, और ऐसे जब वो आगे बढ़ता जाएगा, तो बच्चों अगर हम उसकी सारी गति का औसत वेग निकाल लें, और इसी तरह से सभी इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की सपोज करो मैं जो है गति v1 मान लूं बच्चों, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की गति v2 मान लूं, इस तरह से लास्ट वाला जो n इलेक्ट्रॉन का उसकी गति n मान लूं और इसको n से डिवाइड कर दूं, तो बच्चों सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग हमें मिलेगा, तो बच्चों उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों का अप्रवाह वेग। ये आपको समझ में आती है बच्चों बात, ये अप्रवाह वेग ही होता है बच्चों, जिस दौरान जो भी इलेक्ट्रॉन है वो आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, और वही विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जिम्मेदार होता है। बच्चों यहाँ पे मैं एक आपको बताना चाहूंगा, ये विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन जो VD, ये जो अप्रवाह वेग होता है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। इसकी वैल्यू होती है बच्चों 10^-5। आप सोच सकते हैं कितना कम है, m/s। तो आप कहेंगे इतना कम होने के बाद विद्युत धारा तो बहुत तेज बहती है, तो इसको अगर आप चाहेंगे तो मैं आगे जाके बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। और बच्चों जो तापीय गति होती है, जो u होता है बच्चों सभी इलेक्ट्रॉन का औसत वेग बच्चों, बहुत ज्यादा होता है, वो अप्रोक्सीमेट होता है 10^5 m/s। आप सोच सकते हैं, तो इतना ज्यादा होने के बावजूद इसका कोई यूज नहीं हो पाता है, जीरो हो जाता है, और इतना कम होने के बाद ही इसी की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ जानकारी के लिए बताया। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों अब हम एक इंपॉर्टेंट परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं जो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, विश्रांति काल, जिसे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है स्टूडेंट, तो रिलैक्सेशन के मतलब से आप समझ जाते हैं बच्चों, रिलैक्स तो इसका मतलब है आराम। यहाँ पे आराम का क्या मतलब है बच्चों, ध्यान से समझना बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हैं तो दो लगातार टक्करों के, बच्चों लगातार की बात कर रहा हूँ ध्यान देना, दो लगातार टक्करों के बीच का समय,
वो समय अंतराल जिसमें इलेक्ट्रॉन बच्चों स्रोत के धनात्मक सिरे की ओर गति करते हैं, यानी जिसमें वो आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, उस समय को बच्चों विश्रांति काल कहते हैं। बच्चों इसे टॉक से रेफर करते हैं, ये टॉक कहलाता है इस तरीके से, और ये टाइम है बेसिकली, हम इसे कह सकते हैं। तो ये वो विश्रांति काल होता है बच्चों जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है टक्करों के बीच में, दो टक्कर होने के बीच में गति करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों इसे फिर हम दोबारा इस तरह से समझेंगे, इस बार मैं एक नॉर्मल आपको कंडक्टर बस इतना सा दिखा रहा हूँ इस तरीके से, मैं कोई यहाँ पर हमने कोई स्रोत लगाया हुआ है धनात्मक और ये ऋणात्मक हो गया बच्चों। तो अब मैं दिखाना चाहता हूँ बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर तरफ चलेगा इस प्रकार, तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको धनात्मक सिरा दिखा दिया और यहाँ पे मैंने ऋणात्मक सिरा दिखा दिया। अब बच्चों ध्यान से देखना, जो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक सिरे से चलता है, सपोज हमने यहाँ से माना वो चला, तो बच्चों हम इस बिंदु को ए मान लेते हैं, जब उसकी टक्कर लगेगी तो किसी बिंदु दो पे था, तो बच्चों दो पे टक्कर होने के बाद सपोज वो इस दिशा में चला जाता है, फिर टक्कर होने के बाद वो इसी दिशा में जाता है, लेकिन बच्चों ध्यान देखना वो पीछे की तरफ नहीं जा रहा, वो आगे की तरफ ही जा रहा है, यानी धनात्मक सिरे की तरफ बढ़ रहा है। इस तरीके से धीरे धीरे वो धनात्मक सिरे की तरफ बढ़ रहा है। अब बच्चों ध्यान दो, किन्हीं भी दो टक्करों के बीच का समय, अगर मैं एक टक्कर एक और दो के बीच का समय ले लूँ तो इस दौरान वो एक गति प्राप्त करता है धनात्मक सिरे की तरफ। बच्चों तीसरे और चौथे के बीच में लूँ तो भी वो एक गति प्राप्त कर रहा है धनात्मक सिरे की तरफ, और चौथे पांचवे के बीच में भी एक गति प्राप्त कर रहा है धनात्मक सिरे की तरफ। यही वो समय अंतराल होता है जिसमें बच्चों वो आगे की तरफ चला जाता है, ठीक है बच्चों। और इसी की वजह से हमें क्या मिलती है बच्चों, विद्युत धारा मिलती है। तो विश्रांति काल हम समझ सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम दो टक्करों के बीच में जिसमें इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है बच्चों।